महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र चौक माफी पीपीगंज के प्रशासनिक भवन का लोकार्पण तथा दो दिवसीय पूर्वांचल किसान मेला एवं कृषि प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र एक नज़र में तथा गोरखनाथ कृषि दर्पण पत्रिका का लोकार्पण करने के साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट का लॉन्च किया। इसके साथ ही 5-5 किसानों को मृदा परीक्षण कार्ड तथा मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी प्रदान किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 2 वर्ष पूर्व कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी गई थी, जिसके प्रशासनिक भवन का लोकार्पण आज हुआ है। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का कृषि विज्ञान केंद्र सशक्त माध्यम है। शासन की योजनाओं का लाभ किसानों को मिले और उन्हें तकनीकी जानकारी प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के अंदर 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र दिए हैं, जिससे किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों जीवन में सही तकनीक, समय पर बीज एवं उन्हें समयबद्ध ढंग से शासन की योजना का लाभ दे सके। निश्चित रूप से किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि किसानों को मजबूत बनाने एवं उनकी आय बढ़ाने हेतु नई तकनीक की आवश्यकता है और इस उद्देश्य की पूर्ति में कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका है। कृषि विज्ञान केंद्र सभी ज्ञान देता है। उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों को निर्देश दिए कि वे टीम बनाकर गांव को गोद लें और उन्हें कृषि की नई तकनीक के बारे में बताएं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा जो प्रोजेक्ट संचालित होंगे वो किसानों की आय, उत्पादन, उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगा। सरकार की प्राथमिकता खेती एवं किसान है। विधायक फतेह बहादुर सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में कृषि विज्ञान केंद्र काफी उपयोगी सिद्ध होगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, अन्य जनप्रतिनिधि, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। फसल की उत्पादकता को हम अधिकतम सरहरी से आई है बाउंड्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर जे एके सिंह जी, डॉक्टर जे संधु जी, डॉक्टर यूएस गौतम जी, मैं अनुरोध करता हूं कि दीप प्रज्वलन कर एवं पुष्पांजलि अर्पित करें। दीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि का यह कार्यक्रम हम सभी जानते हैं कि दीप प्रकाश का द्योतक है और प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसीलिए दीप प्रज्वलन करने की परंपरा है। किसी पूजा अथवा समारोह का आरंभ दीप प्रज्वलन से होता है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, उसके जीवन में सदा प्रकाश ही प्रकाश हो, यही दीप प्रज्वलन का उद्देश्य है। और मंच पर आसीन होते हुए हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी सम्मानीय अतिथिगण, हम सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। पूर्व कुलपति एवं उपाध्यक्ष महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र से विनम्र अनुरोध करता हूं कि माननीय
कृषि एवं किसान कटाना आ रहा था। तालियों से अभिवादन माननीय मुख्य अतिथि श्री राधा मोहन सिंह जी, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री का अभिवादन करते हुए प्रोफेसर यूपी सिंह जी, आपकी आवाज कहां तक सुनाई देनी चाहिए। जिस तरह से हमने अभिनंदन का अभिनंदन किया, ये आवाज आपकी वहां तक सुनाई देनी चाहिए जहां से अभिनंदन हमारे बीच अभिनंदन के लिए आया। प्राप्त करने की कृपा करें, उनके साथ उनसे सम्मान प्राप्त करने की कृपा करें इंजीनियर नीरज गौतम जी और श्री सत्येंद्र चौधरी जी। कम ही समय में इस सुंदर भवन का निर्माण कराने वाले आर्किटेक्ट सत्येंद्र चौधरी जी का सामान वितरित किए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा धान की उच्च गुणवत्ता बीज उत्पादन यहां पर किया गया, 200 कुंटल गेहूं का डेढ़ प्रदर्शन कार्य कराया गया है किसानों के प्रक्षेत्र पर, 125 किसानों के यहां विभिन्न गांव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो भारत सरकार के रिसर्च स्टेशन है उनमें प्रमुख जो है गेहूं का जो अनुसंधान केंद्र है करनाल। गोरखनाथ कृषि दर्पण पत्रिका एवं महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र एक नजर में पत्रिका का लोकार्पण, समस्याओं के सभी समस्याओं का समाधान करेगी इसमें प्रयास किया गया है, आपको सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाए। और इसका लोकार्पण करते हुए केंद्रीय दबाकर डिजिटल इंडिया का प्रमाण महायोगी कृषि विज्ञान केंद्र की वेबसाइट लॉन्च हो गई। इसके पश्चात 5 किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किया जाएगा जिसमें अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों प्राप्त करें। वशिष्ठ पांडे जी, शिव प्रताप नारायण यादव जी, लाला प्रसाद यादव जी, मधुसूदन सिंह जी और दिग्विजय प्रताप सिंह जी। इधर देखिएगा, रुक जाइए। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके पश्चात उद्बोधनों के क्रम में मैं डॉक्टर एके सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। मुख्य अतिथि महोदय का एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों के आशीष से इस कृषि विज्ञान केंद्र का प्रारंभ हुआ है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जब इसका शिलान्यास रखा गया था उस दिन भी मैं उपस्थित था और आप दोनों महानुभाव शिलान्यास कार्यक्रम में भी थे, और जब आज भवन का लोकार्पण हुआ है तो भी आप दोनों लोगों की उपस्थिति यहाँ पर हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल में करीब करीब सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो गए हैं, लेकिन जो गोरखपुर का ये द्वितीय कृषि विज्ञान केंद्र जो चौक माफी में बना है, वो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र आसपास में बने हैं सबके लिए एक स्रोत का काम करेगा, एक रिसोर्स सेंटर के रूप में काम करेगा। जिस तरह से प्रगति इस केंद्र ने की है पिछले 3-4 वर्षों में जब से इसकी शुरुआत हुई है, और जैसा भवन का भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा किया गया है, ऐसा देख करके लगता है कि ऐसा भवन शायद उत्तर प्रदेश के किसी कृषि विज्ञान केंद्र में नहीं है। दूसरे जगह भी मुझे कदाचित ही कोई ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र दिखता है जिसमें इस उच्च गुणवत्ता का भवन बना है। मैं इसके लिए जो लोग भी भवन के निर्माण में अपना योगदान किए हैं सबको अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी यहां पर भारी संख्या में आए हुए हैं और आप तत्पर होंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सुनने के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय को सुनने के लिए। कृषि विज्ञान केंद्र करीब करीब सभी जिलों में स्थापित करने का बीड़ा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उठाया हुआ था, और बड़ी तेजी से जब से आप भारत सरकार में कृषि मंत्री बने तब से अभी तक 72 कृषि विज्ञान केंद्र नए पूरे सृजित हुए पूरे देश में, जिसमें उत्तर प्रदेश में 13 की स्थापना हो चुकी है नए कृषि विज्ञान केंद्रों की, और 6 और रह गए हैं, 6 और 7 रह गए हैं, उसकी स्थापना की प्रक्रिया भी एकदम अग्रिम स्थिति में है, जल्दी उसकी भी प्रारंभ होगा। मैं इस अवसर पर पुनः आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। विज्ञान केंद्र चौक माफी के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, उप निदेशक डॉक्टर ए के सिंह जी, डॉक्टर जे एस संधू जी कुलपति महोदय, डॉक्टर यू एस गौतम कुलपति महोदय, डॉक्टर आर पी सिंह जी, डॉक्टर यूपी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक गण आए हुए, इंजीनियर पी के मल जी, हमारे जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, कैंपियरगंज विधानसभा से आए सभी सम्मानित बुजुर्गवार नौजवान साथी, माताएं बहने, हमारे कार्यकर्ता साथी, मित्रों, आज मुझे याद है 2016 में जब इस भूमि के कार्यक्रम के अवसर पर हम लोग आए थे महाराज जी के आदेश पर, माननीय राधा मोहन सिंह जी ने ही पहली बार इस भूमि पर शिलान्यास का कार्यक्रम दिया और 2 साल के अंदर प्रशासनिक भवन बनकर के पूर्ण हो गया। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को कि मुझे आपने दोनों कार्यक्रमों में आशीर्वाद देने का काम किया। कृषि महाविद्यालय हम चाहते हैं, परम पूज्य महाराज जी का निर्देश है कि किसानों की आय कैसे दुगनी हो, उसी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने के लिए इस केंद्र की स्थापना की गई। परम पूज्य महाराज जी के निर्देशों के क्रम में ये केंद्र अपने आप में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र आने वाले समय में बनेगा। यहाँ पर किसानों को उन्नत किस्म का बीज का उत्पाद करके ये संस्था आपको देगी, इससे किसानों की आय दुगनी तो होगी। हम जो बार बार एक ही बीज का उपयोग करते हैं, किसान भाई जो गरीब गांव का हमारा किसान है जिसको अच्छी किस्म का बीज की उपलब्धता नहीं हो पाती गांव के अंदर, हम उन्नत किस्म का जो बीज देंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में, पूर्वी उत्तर प्रदेश का ये चौक माफी और ये कैंपियरगंज की धरती के लोग निश्चित रूप से कृषि उद्योग के आधार पर आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे ये जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री जी ने कैंपियरगंज में ही एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क का भी प्रस्ताव रखा है। आने वाले समय में इससे यहाँ के नौजवानों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर और किसानों की आय में वृद्धि करने का भी एक बड़ी व्यवस्था इस क्षेत्र में होने जा रही। मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और 2 छोटी बातें जो अपनी अपील और निवेदन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग रहा हूं, पीपीगंज में जो रेलवे लाइन है उस पर निश्चित रूप से आवागमन बाधित होता है, अगर उस पर एक ओवरब्रिज बन जाएगा तो इधर के लोगों को आने जाने में एक बड़ी राहत होगी और निश्चित रूप से एक बड़ा विकास का कार्य आपने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम अगर देने का काम किया तो कैंपियरगंज की धरती पर सबसे बड़ा महंत जो है अवैधनाथ जी के नाम से स्टेडियम निर्माण कराने का काम किया, 2 बड़े बड़े डिग्री कॉलेज बनाने का आदेश दिया, 2 बड़े बड़े इंटर कॉलेज बनाने का काम किया, तमाम लगभग 400 करोड़ की सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन करके आपने ये साबित कर दिया कि इसी विधानसभा में आपका तो विशेष स्नेह है ही है और आगे स्नेह बना रहे। पुनः आपको धन्यवाद देते हुए इस बात का कि विकास की बड़ी लंबी संभावनाएं अभी कैंपियरगंज में है और ये जो जनता आई है ये आपसे आशीर्वाद और इस क्षेत्र के विकास के लिए अपील करने आई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज एक सुअवसर है जब गोरखपुर में दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र पूज्य महायोगी गोरखनाथ जी के नाम पर यहाँ पर खोला जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब से आए तब से निरंतर कृषि विज्ञान केंद्रों के खोले जाने पर बहुत बल दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और माननीय राधा मोहन सिंह जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश को 20 कृषि विज्ञान केंद्र नए स्वीकृत किए गए, जिसमें से हमारा ये गोरखपुर का भी नया कृषि विज्ञान केंद्र है। और ये नया कृषि विज्ञान केंद्र का जो प्रशासनिक भवन बना है, मैंने अब तक जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र देखे हैं सर्वश्रेष्ठ यदि कोई प्रशासनिक भवन बना है तो यहाँ गोरखपुर का ये कृषि विज्ञान केंद्र का प्रशासनिक भवन बना है। सिर्फ भवन ही नहीं बनेगा बल्कि यहाँ पर जितना भी प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन होंगे वह अपने में भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, बहुत अच्छे वैज्ञानिकों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है
और उसका इस इलाके के कृषि क्षेत्र के भीतर किसानों को कैसे आमदनी बढ़ाई जाई जा सके और उनका उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सके, विभिन्न प्रकार के फसलों का बहुफसली खेती कैसे कर सके, इन सब चीजों की जानकारी इस कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से होने वाली है। और इसलिए इस अवसर पर आप सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय राधा मोहन सिंह जी के मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पधारने के लिए मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं। आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने जब से देश की और प्रदेश की सत्ता संभाली है, मुख्य एजेंडा खेती और किसान है इस पूरे सरकार का। और मुझे खुशी है, बाकी चर्चा तो आदरणीय महाराज जी करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो सिर्फ मैं गोरखपुर मंडल के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, राज्य की चर्चा आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अभी जो पीएम किसान 24 तारीख को लॉन्च हुआ यहां पर प्रधानमंत्री जी का एक फ्लेक्सी स्कीम किसानों के लिए, जो अस्थायी रूप से आपको टिकाऊ खेती करने में आर्थिक रूप से सहयोग कर सकेगा, गोरखपुर मंडल के 2,80,000 किसानों को अब तक 55,87,00,000 रुपए उनके खाते में पहुंच गए। पूरे प्रदेश में पहले दिन 40,00,000 किसानों का आया था और अभी तक 70,00,000 प्रदेश के किसानों के खातों में पैसे पहुंच गए और उसमें से 2,80,000 किसान जो है वो अपने इस गोरखपुर मंडल का किसान है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऋण मोचन के कार्यक्रम की घोषणा किया, वो ऋण जो मोचन की बात उन्होंने कही, वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल का नहीं था, योगी जी के या मोदी जी के कार्यकाल का वो कर्जा नहीं था। पिछले 15 सालों से उत्तर प्रदेश के भीतर जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही, उनकी गलत नीतियों का यह परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार हुआ और आर्थिक दबाव की वजह से वो अपने कर्जे को भरपाई नहीं कर पा रहा था। और यदि उनके ऊपर किसी ने राहत देने का काम किया तो उस आदमी का नाम है योगी आदित्यनाथ जी। और उन्होंने प्रदेश के 86,00,000 किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफी की घोषणा की। उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन गोरखपुर मंडल के भीतर 2,83,899 किसानों को, अकेले गोरखपुर मंडल में 2,83,899 किसानों को 1,167 करोड़ रुपए का ऋण मोचन अकेले गोरखपुर मंडल में हुआ है। यदि योगी ना होते तो ये सब पैसा किसान को भरना पड़ता, कितना बड़ा आर्थिक दबाव किसान को खेती के ऊपर होता, उससे छुटकारा देने का काम आदरणीय योगी जी ने किया है। इसके लिए मैं इस केवीके के माध्यम से, आज के समारोह के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। गोरखपुर मंडल के भीतर हम लोगों ने 2 साल के कार्यकाल में, आदरणीय योगी जी के कार्यकाल में, 4,68,959 किसानों को 1,193 करोड़ रुपए हम लोगों ने उनको विभिन्न अनुदानों के माध्यम से उनके खातों में भेजे। ऋण मोचन के साथ साथ बीज के इस साल जो हम 60%, 75% और 100% अनुदान पर किसानों को हम लोगों ने बीज उपलब्ध कराया है। अकेले उत्तर प्रदेश ऐसा है जो 75% अनुदान तक भी बीज उपलब्ध कराया, यह आदरणीय हमारे योगी जी की कृपा रही है। और उसका यह परिणाम हुआ कि इस साल हम गोरखपुर मंडल में अकेले 1,44,693 किसानों को बीज अनुदान के रूप में 14,68,00,000 रुपए हम बीज अनुदान के रूप में दे सके। इसी तरीके से कृषि यंत्र में, कृषि रक्षा रसायन में और कृषि यंत्रों के वितरण में कस्टम हायरिंग के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से, बर्मी कंपोस्ट लगाने के माध्यम से लगभग हम लोगों ने कुल मिलाकर के इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 4,68,959 रही और उसमें 1,193,92,00,000 रुपए का अनुदान हमने दिया। जितना भी इन कृषि शिक्षा के दृष्टि से, मैं आदरणीय महाराज जी आज आपको जानकारी दे दूं कि आपकी कृपा से हम लोगों ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में देश के भीतर जिन राज्यों ने सबसे ज्यादा निवेश किया है उसमें से उत्तर प्रदेश आया है। और उत्तर प्रदेश के भीतर हमने 2 वर्षों के भीतर 241 करोड़ रुपए हमने अपने विश्वविद्यालयों को राज्य के मद से दिया है। यह पहली बार 70 साल के भीतर हुआ है कि कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान पर आपने कितना महत्व दिया है। सभी जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं, चारों को हमने पैसा दिया है और लगभग 40 करोड़ रुपए से ऊपर सभी को दिया है। और इस प्रकार से वहां पर वो प्रगति का काम हम लोगों ने बढ़ा दिया है। इसी तरीके से
12 केवीके को हम लोगों ने राज्य की ओर से आरकेवाई योजना के भीतर हम लोगों ने पैसा दिया है, जिससे एक अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र हम संचालित कर सके, उस दृष्टि से प्रयास किया है। और उसी कड़ी में यह अपना जो महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र है, इसको भी आरकेवाई से 6,39,00,000 रुपए विभिन्न परियोजनाओं के लिए, इस केवीके के बाउंड्री, इसका सोलराइजेशन, इसके लिए फार्मर्स हॉस्टल, सेमिनार रूम और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए हमने दिया है। और इस प्रकार से ये जो आपकी कृपा है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के माध्यम से, यह सारा अनुसंधान विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला से ले जाकर के हम खेतों तक उतारेंगे और उत्तर प्रदेश के किसान की आमदनी को और उसके उत्पादन को हरियाणा के बराबर 3 साल के भीतर पहुंचाने का एक लक्ष्य लेकर के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम कर रही है। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं इस अवसर पर, एक अवसर है उसके लिए मैं हृदय से आप सभी को बधाई देता हूँ और पूज्य योगी जी को भी और आदरणीय राधा मोहन सिंह जी को भी कि इसके लिए आपने बहुमूल्य समय निकाला और इस कार्यक्रम को गति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत। लोकप्रिय उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्माननीय मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, डीडीजी एक्सटेंशन डॉक्टर ए के सिंह जी, नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या के कुलपति डॉक्टर शेष संधु, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय वीसी यूएस गौतम जी, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के डायरेक्टर ब्रजेश सिंह जी, अटारी कानपुर के निर्देशक डॉक्टर अतर सिंह, पूर्व कुलपति उपाध्यक्ष महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र प्रोफेसर यूपी सिंह जी, सम्माननीय डॉक्टर आरपी सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र, संचालन करने वाले सम्माननीय माधवेंद्र राज जी और इस अवसर पर उपस्थित किसान भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और परम पूज्य महंत जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि अभी 24 महीने पूरे नहीं हुए, फिर भी उत्तर प्रदेश ही नहीं तो देश के कई राज्यों में 700 से ज्यादा स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों में अग्रगणी मोर्चे पर बढ़ने वाला एक कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको आज मैं देख रहा हूं, इसके लिए किसानों की ओर से सम्माननीय पूजनीय महंत जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मुझे स्मरण है एक व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में और उस व्यवस्था से बार बार मैं कहता था कि किसानों की आमदनी बढ़ानी है, उनको मजबूत बनाना है तो नई टेक्नोलॉजी, और नई टेक्नोलॉजी जो देश के हमारे 106 रिसर्च संस्थानों में हमारे वैज्ञानिक, 16,000 देश के अंदर वैज्ञानिक और विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक जो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं अपने लैब में, वो किसानों के लैंड तक पहुंचे, इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तय हुआ हर जिला में एक बनेगा, फिर उनके बाद ये मामला धीमा पड़ा, फिर मोदी सरकार आई और उसने इतना ही नहीं तय किया, उसने तय किया कि जो बड़े जिले हैं वहां 2-2 बनाएंगे, और उत्तर प्रदेश जैसा सबसे बड़ा राज्य जहां 30 ऐसे स्थान थे, कुछ तो नए जिले बन गए थे और कुछ बड़े थे जहां एक एक और करना था, और मैंने 2-3 बार प्रयत्न किया, राज्य सरकार ने जमीन नहीं दी, लेकिन परम पूज्य महंत जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी जमीन देकर 20 में एक यहां पर प्रारंभ करा और उसका हमने शिलान्यास किया 23 अक्टूबर को, लेकिन राज्य का भी सहयोग चाहिए, सीधे हम अपने आईसीआर भारत सरकार की ओर से कर रहे थे, लेकिन मई में 17 मई से ये जब योगी सरकार बने
और सरकार ने भी भरपूर जिसका अभी वर्णन कर रहे थे शाही जी मदद किया, और इसका परिणाम है कि आज कृषि विज्ञान केंद्र अग्रिम मोर्चे पर दिखाई देता है। बहुत पहले कहीं जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हैं, आज ही उसमें कई स्थान पर जीप नहीं है, ट्रैक्टर नहीं, और जो मैंने यहां जानकारी ली कि यहां जीप भी है, ट्रैक्टर भी है, सॉइल टेस्टिंग लैब भी है और प्रशासनिक भवन भी बन गया। जब राजनाथ जी कृषि मंत्री थे, मोतिहारी में कृषि विज्ञान केंद्र का शिलान्यास हमने रखा था। आज पूजनीय जोगी जी जा रहे हैं, वहां प्रशासनिक भवन इतना छोटा था, उसके विस्तारीकरण का आज उद्घाटन माननीय जोगी जी करेंगे, और यहां 2 साल ही पूरा नहीं हुआ, प्रशासनिक भवन के भव्य इमारत का हमने आज उद्घाटन किया। इसी तरह से किसान भवन, वो भी बड़ी तेजी से बन रहा है। हमने एक नई योजना चलाई पिछले वर्ष कि गांव के नौजवान जो गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं, हमारी अधिकतर योजनाएं राज्यों के माध्यम से चलता है, लेकिन देश के कुछ चुने हुए कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से आर्जा योजना के माध्यम से गांव के नौजवानों को ट्रेनिंग देकर मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, और उनको कुछ इनपुट मुहैया कराना, वो काम भी देश के जो 50 कृषि विज्ञान केंद्र हमने प्रारंभ किया है उसमें ये भी कृषि विज्ञान केंद्र है जहां हमने शुरू कर दिया है। अब आसपास के लोगों को, यहां जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनसे सिर्फ मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, जहां कोई बड़ी संस्था होती तो पड़ोस में जो गांव होता है उसको बड़ी उम्मीद होती है। भारत सरकार की तमाम कृषि कल्याण की योजना राज्यों के माध्यम से चलता है, कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से नहीं चलता। वो जिला कृषि पदाधिकारी है, ब्लॉक में है, पंचायत में है, कृषि विज्ञान केंद्र तो सबको ज्ञान देता है। जो पंचायत में किसान सलाहकार होंगे, जो ब्लॉक में कृषि के अधिकारी होंगे, फिर राज्य में भी, ये सब किसान को लाते हैं और स्वयं लाते हैं और यहां नई टेक्नोलॉजी सीखते हैं। लेकिन फिर भी मैंने सभी कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे जितने संस्थान है हमने कहा है कि जिस जहां पर स्थित है, लोग तो समझते हैं कि 50 एकड़ में यह है तो यही सब चीज होता हो, सब चीज ज्ञान का होता है, लेकिन लाभ की योजना वो ब्लॉक के माध्यम से होता है। तो यहां हमारी विनती वैज्ञानिकों से यह रहती है, और बल्कि सरकार बनते हैं हम काम शुरू किया कि हमारे 16,000 वैज्ञानिक हैं, तो 2-3-4 वैज्ञानिक टीम बनाकर 4-5 गांव खोद लेना, उन गांव में जाना, और मुझे खुशी है कि 11,000 गांव में अभी तक हमारे वैज्ञानिक हैं। लैब के अंदर किसान आएंगे और सीखेंगे, ये बात ठीक है, लेकिन स्वयं भी एक गांव गोद लेना, बगल का गांव गोद लेना, उस गांव में जाना, जैसे महीना में 30 दिन में छुट्टी मिलती है तो ससुराल जाते हैं, घर जाते हैं, तो उसमें एक तीसरी कड़ी भी रहे कि एक गांव भी गोद लें जहां जाकर उनको नई टेक्नोलॉजी का हम ज्ञान, और पड़ोस के गांव में तो निश्चित रूप से काम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है इसका एक ही उदाहरण काफी है कि अभी तक एक किसान के खाते में जो हम 100,000 रुपया साल में देने का तय किया और पहली किस्त 4 महीने पर 2,000 का, पूरे देश में जितने किसानों को दिया उसमें आधी संख्या अकेले उत्तर प्रदेश की, और उसमें गोरखपुर के अधिकारियों को भी मैं बधाई दूंगा कि गोरखपुर की संख्या भी बहुत बड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि यहां की सरकार, खुद मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग किया, कृषि मंत्री लगे, हमारे अधिकारी लगे, तो आपने आंकड़े भेजे। कई राज्य तो ऐसे कि आंकड़े नहीं भेज रहे, अब वहां के किसान उनसे हिसाब किताब लेंगे, लेकिन मैं फिर उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस काम में बड़ी तेजी दिखाई दी है और यहां के किसानों को सर्वाधिक उसका लाभ मिला है, और आगे भी
सबसे ज्यादा यदि कोई लाभ उठाएगा तो उत्तर प्रदेश की सरकार, ये लक्षण साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार, कई राज्यों ने कर्जा माफी की घोषणा की, हम तो किसान को सशक्त बनाने में लगे हुए, लेकिन कई राज्य सरकारों ने जो घोषणा की पूरा नहीं किया। कर्नाटक ने घोषणा किया, पंजाब ने घोषणा किया, अकेला उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने जो घोषणा की उसको 100% पूरा किया, दूसरा किसी राज्य ने इस काम को पूरा नहीं किया है। ये दाल का संकट ध्यान में होगा, 200 रुपए किलो दाल हम लोग खरीदते रहे, उस दाल के संकट पर तो हमने विजय प्राप्त किया है, लेकिन अब तिलहन का संकट, तिलहन तेल का दाम ज्यादा, हम पाम ऑयल विदेशों से ज्यादा मंगा रहे हैं। हम बधाई देंगे कि तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की सरकार, जो भी सरकार आने के बाद, भारत सरकार ने इसको कृषि कर्मणा पुरस्कार देने का काम किया है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन तिलहन के मामले में उत्तर प्रदेश ने इस काम को किया है। सॉयल हेल्थ कार्ड 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को देना, ये भी कार्य पद्धति की मुस्तैदी को दर्शाता है। ये बात ठीक है कि सबको नहीं मिला हो, ये बात ठीक है कि जिसको मिला भी होगा सब उसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे, लेकिन पूरे विश्व को चेतावनी बहुत पहले दी गई थी। मोदी सरकार आने के बाद इस काम को शुरू किया तो यहां जो व्यवस्था थी वो कुछ नहीं करती थी, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इस काम को तेज किया है, और मुझे विश्वास है कि हमारे भी अभ्यास बदल रहे होंगे। जैसे अपनी तबीयत खराब होती है तो हम डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर भोजन करते हैं, दवा लेते हैं, तो हमें भी यह स्वभाव बनाना पड़ेगा कि हमारी धरती जो मां है उसके भी स्वास्थ्य की देखभाल करे, और कौन भोजन कितना भोजन दिया जाए, इस दिशा में सरकार ने भी सक्रिय कदम उठाया है। और इसी कृषि विज्ञान के अंदर भी एक मिनी लैब की स्थापना का भी काम हुआ, तो यहां तो छोटे मात्रा में आपको मिलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर जिला स्तर पर लैब की स्थापना हुई होगी, और कृषि मंत्रालय इस काम को करता होगा। किसान भाइयों और बहनों, खेती में नई टेक्नोलॉजी, ज्ञान, आमदनी इसके बिना नहीं बढ़ेगी, और सिर्फ अनाज की खेती करने से आमदनी नहीं बढ़ेगी। हमारे पास जो भी जमीन है एक हिस्से में ही अनाज की खेती करी, वो भी नई वैरायटी का, और बाकी के दो हिस्सों में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, जो लाइफ सेक्टर है, बांकी, इस दिशा में भी हमें बढ़ना होगा। बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन किसान सुनता है वही काम नहीं करता है, आंख से देखता है कुछ ही तब करता है। और हम सबको पता है कि जलवायु की जो चुनौती है, जलवायु परिवर्तन का, गेहूं की फसल लगाए पूरे खेत में, धान का फसल लगाए और ऐसी आपदा आ गई, पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो इसीलिए इंटीग्रेटेड फार्म, मिश्रित खेती, अनाज की भी खेती करेंगे, फल फूल की भी खेती करेंगे, पेड़ भी लगाएंगे, एक हिस्से में गड्ढा करके मछली की भी खेती करेंगे, किनारे पर गाय बकरी का भी पालन करेंगे, पानी में मछली रहेगा तो बत्तख भी पालेंगे, उसका भी अंडा बेचेंगे। अब मिश्रित खेती, जब मोदी सरकार आई तो इसके लिए हमने राज्यों को फंड देना शुरू किया, और अब तो कहा है कि हर कृषि विज्ञान केंद्र भी इसका मॉडल बनाए, एक एकड़ का, दो एकड़ का, और फिर बोर्ड लगा के बताए किसान को कि कितनी लागत और कितनी आमदनी, दुगुनी आमदनी। और हमारे बहुत कृषि विश्वविद्यालयों में मॉडल लगे हैं, संस्थानों में मॉडल लगे हैं, और आजादी के बाद पहली बार आपको पता है कि राजपथ पर विभिन्न मंत्रालयों का 6 महीना कंपटीशन एक चलता है कि कौन मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, इसमें से 8-10 मंत्रालय को चुनकर राजपथ पर उसके प्रदर्शन में, झांकी में शामिल किया जाता है। तो आजादी के बाद से, गणतंत्र के बाद से ये प्रतिवर्ष हो रहा है, लेकिन कृषि मंत्रालय को कभी नहीं मौका मिला।
कभी मौका नहीं मिला। पहली बार 18 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आजादी के बाद कृषि मंत्रालय का झांकी मिश्रित खेती, खुशियों की खेती, पूरे दूर देश और दुनिया के लोगों ने देखा था, वो राजपथ पर निकला था। उस दिशा में हमको बढ़ने की जरूरत, और मुझे विश्वास है कि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है शीघ्र ही एक एकड़ दो एकड़ का एक ऐसा मॉडल बनाएगा जिसको किसान आकर देखेंगे कि कैसे आमदनी दुगुनी हो सकती है, और हो रही है। हमारे गांव के अंदर बहुत सारे संसाधन है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से उसका इस्तेमाल करना। हमारे पास कूड़ा धन भी है, गोबर धन भी है, ये संसाधन इतने ज्यादा है। हम कृषि विज्ञान केंद्रों को भी कहा है, और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक तो आजादी के बाद कृषि मंत्रालय की कोई झांकी नहीं आई, 18 में आया, और जितनी झांकियां आती है फिर जो उसमें जजमेंट होता है कि किसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाए। इस बार जो 19 की झांकी थी, 19 की झांकी में आपने देखा होगा किसान गांधी कृषि मंत्रालय का, ये न सिर्फ झांकी निकला बल्कि बाद में 26 जनवरी के गणतंत्र के जो जूरी था, जूरी कमेटी था, उसने किसान गांधी जो झांकी निकला था उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी देने का काम किया। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसका भी प्रदर्शन करिए। ये दो प्रदर्शन हर कृषि विज्ञान के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, किसानों की आमदनी बढ़ाना है, संसाधन बढ़ाना है, सतत उत्पादकता को बनाए रखना है, सेहत को बनाए रखना है, तो वैज्ञानिक तरीके से हमारे पास जो संसाधन है उनका उपयोग करना होगा। धन की कमी नहीं है। आपके ध्यान में आए कि हमारी सरकार जब नहीं थी, मोदी सरकार, तो उसके 5 बरस में जो सरकार थी उसने 5 बरस में कृषि मंत्रालय में बजट 121,000 करोड़ रुपया खर्चा किया, ये रिकॉर्ड है। और मोदी सरकार आने के बाद 5 साल का बजट देखेंगे तो 211,000 करोड़ का है, और ये 6ठा साल का जो अंतरिम बजट आया है 1 साल का, अभी उनके 5 साल का 121,000 करोड़, और अकेले 19-20 का बजट हमारा है 141,000 करोड़। 5 साल से बजट से भी दुगुना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने तो नारे लगाए 3 भर। इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश में एक परिवार ने 45 वर्षों तक दिन भर नारे लगाए किसान के, और रात में निष्ठा के साथ अपने पंच को मजबूत बनाने के लिए काम किया, और देश की हालत इसलिए ऐसी है, किसान की हालत इसलिए। और उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, समाजवाद समाजवाद पूरी निष्ठा के साथ दिन भर, और रात में पूरी निष्ठा के साथ परिवारवाद परिवारवाद। और इसलिए हमारी परेशानियां हैं, आज भी चुनौतियां हैं हमारे सामने, लेकिन उन सबके पापों का परिणाम है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, प्रदेश में भी और देश में भी देश के लिए समर्पित जीवन हमें मिला है, जो दिन में भी नारे लगाता है किसान के लिए तो रात में वंश और परिवार की चिंता नहीं करता है, रात में भी निष्ठा के साथ सपने भी देखता है तो किसान के लिए और देश के मजदूर के लिए। हम सब सौभाग्यशाली हैं, जोगी जी का नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व, यहां के बाद मोतिहारी में भी आज कार्यक्रम है। इस अवसर पर मैं सम्मानीय जोगी जी, पूजनीय जोगी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि दूसरी बार यहां मुझे अवसर आपने दिया। अगर ये अवसर न दिया होता तो इतने सारे भाइयों बहनों के दर्शन का सौभाग्य इस गोरखनाथ की पुण्य भूमि पर हमको मिलता नहीं, तो सबके दर्शन का हमको सौभाग्य मिला, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। महायोगी गुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह जी, प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री श्रीमान सूर्य प्रताप शाही जी, माननीय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, आईसीआर के उप महानिदेशक कृषि प्रसार डॉक्टर एके सिंह जी, नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जयेश संधू जी, बांदा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर यूएस गौतम जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी के निदेशक और उनका महानिदेशक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बंद कर दिया अधिकारी कानपुर के निदेशक डॉक्टर अतर सिंह जी, पूर्व कुलपति उपाध्यक्ष महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र प्रोफेसर ज्योति सिंह जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर जनार्दन तिवारी जी और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, देवियों, सज्जनों, किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए दो वर्ष पूर्व यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखी गई थी और मुझे प्रसन्नता है कि इस कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन का आज लोकार्पण हो रहा है। इसमें जिन भी महानुभावों ने रुचि ली और एक अच्छे प्रशासनिक भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया, मैं उन सबको हृदय से साधुवाद देता हूं और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, वैज्ञानिक हैं, इन सब के सामने अभी चुनौती है कि प्रशासनिक भवन तो इन्होंने अच्छा बना दिया है लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र के पीछे आईसीआर, भारत सरकार और प्रदेश सरकार की जो भावनाएं हैं कि अधिक से अधिक किसानों को हम कृषि के तकनीक और बीज समय पर उपलब्ध कराने के साथ ही खेती को कैसे हम लाभकारी बना सकें, इस दिशा में प्रशिक्षित करने और अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की जो एक चुनौती है, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर स्थापित यह कृषि विज्ञान केंद्र इस दिशा में इस चुनौती को स्वीकार करेगा, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको उपलब्ध कराता हूं। आज के इस अवसर पर यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जिन भी लोगों ने यह कार्यक्रम यहां पर उपलब्ध कराया है और जो लोग इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़े हैं उन सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस बात को लेकर के करता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र
वास्तव में आम जन के जीवन में परिवर्तन लाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है, और ये सशक्त माध्यम इस आधार पर है क्योंकि परिवर्तन लोगों के जीवन में लाने के लिए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से अगर पूरा करने का प्रयास यहां पर किसानों ने जो रुचि खेती के प्रति दिखाई थी अगर उसको करने का प्रयास समयबद्ध ढंग से पिछली सरकारों ने रुचि लेकर के किया होता तो प्रदेश का किसान कर्ज के तले दब करके असमय आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होता। लेकिन अगर यह स्थिति पैदा हुई तो इसके पीछे पिछली सरकारों की गई किसानों की उपेक्षा एक प्रमुख कारण है। अपने स्वार्थों के लिए किसानों को शासन की योजनाओं का लाभ न देना और लगातार उनका शोषण करने के लिए जिस प्रकार की संकीर्णता पिछली सरकारों ने दिखाया था, तो भाइयों बहनों जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि 20 कृषि विज्ञान केंद्र खोलकर के किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता था, दुर्भाग्य है उनके लिए जमीन नहीं उपलब्ध कराई गई क्योंकि सरकार के एजेंडे में अगर सही मायने में विकास होता और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन उनका आधार होता तो यह स्थिति कभी भी पैदा करने का प्रयास उनके द्वारा नहीं होता कि केंद्र सरकार पैसा देकर के कृषि विज्ञान केंद्र खोलना चाहती थी लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की बजाय अनावश्यक रूप से उसे लटकाने का प्रयास किया गया। मेरा यह मानना है कृषि विज्ञान केंद्र यह एक व्यापक आधार बन सकता है किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने का, और आमूलचूल परिवर्तन करने का जो आधार बन सकता है किसान को सही तकनीक मिल जाए, किसान को सही समय पर बीज मिल जाए, और किसानों को अगर हम समयबद्ध ढंग से सही तरीके से शासन की योजनाओं का लाभ दे सके तो कोई कारण नहीं कि किसान के जीवन में खेती बाड़ी को किसान की खुशहाली के आधार जोड़ से जोड़ करके व्यापक परिवर्तन लाया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पिछली सरकारों ने इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया और अंततः उसका परिणाम रहा कि जो कार्य किसानों के जीवन को उज्जवल बनाने में उनकी खुशहाली का आधार बन सकता था, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उन किसानों की अनदेखी करके उन्हें कर्ज के तले दबा करके उन्हें आत्महत्या करने के लिए भी पिछली सरकारों ने मजबूर किया। आप सब जानते हैं जब हम लोग 2017 में आए थे, 2017 में आने के तत्काल बाद हम लोगों को लघु और सीमांत किसानों के 1,00,000 तक के कर्जे माफ करने पड़े थे क्योंकि किसान इतना कर्ज के नीचे दबा हुआ था, उसको समय पर न बीज मिलता था, न खाद मिलती थी, न ही किसी सुविधा का लाभ मिल पाता था और वह हर प्रकार से उपेक्षित पड़ा हुआ था, प्रताड़ित था, अपमानित था, उसकी फसल को उसकी उपज का भी उचित दाम उसे नहीं मिल पाता था, शासन की मिलने वाली सब्सिडी भी उसे समय पे नहीं मिल पाती थी। केंद्र सरकार लगातार इस बारे में कहती थी कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र अवश्य हो,
और बड़े जनपदों में दो दो कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएं, लेकिन मुझे देख करके आश्चर्य हो रहा था कि उन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर लेने की बजाय जिस तरीके से उन किसानों को उन सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी किसानों ने खेती बाड़ी से मुंह मोड़ा, प्लान करने के लिए मजबूर की हुए, बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र में आत्महत्या की भी शिकायतें प्राप्त हुई, लेकिन 2017 के बाद जो कार्रवाई प्रारंभ हुई, आज 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र हम प्रदेश के अंदर स्थापित कर रहे हैं। महायोगीपुर गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र उनमें से एक है। किसानों को चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हो, चाहे वह सॉयल हेल्थ कार्ड का हो, चाहे वह प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ देने का हो, समय पर बीज और खाद उपलब्ध कराने की कार्रवाई हो, ये सारे के सारे कार्य समयबद्ध ढंग से जहां प्रदेश में चल रहे हैं, वहीं आपने देखा होगा कि पहली बार किसान लघु और सीमांत किसानों के खाते में सीधे पैसा जा सके, इस दृष्टि से अभी गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी ने 24 फरवरी को प्रत्येक लघु और सीमांत किसानों के लिए जिस योजना को गोरखपुर से शुभारंभ किया, उत्तर प्रदेश के 2,14,00,000 किसान इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं, जिसमें 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उन किसानों के खाते में सीधे जाएगा। आप अनुमान करिए 6,000 रुपए जिस किसान को एक वर्ष में सरकार के द्वारा उसके खाते में दिया जाएगा, उसके द्वारा खरीदे जाने वाला बीज, उसके द्वारा खरीदे जाने वाला खाद है, बीज है या पेस्टिसाइड है, इन सब के लिए समयबद्ध ढंग से हर तिमाही, हर चार महीने में, वर्ष में 3 बार 2,000 रुपए स्वतः ही उस किसान के खाते में जब जाते हुए दिखाई देंगे, स्वाभाविक रूप से किसान की जो सामान्य आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से हो पाएगी। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं वर्तमान में प्रारंभ हुई हैं जो किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन ला सकता है, और व्यापक परिवर्तन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा यह मानना है कि कृषि विज्ञान केंद्र आधार बन सकते हैं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए। अभी हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री राधा मोहन सिंह जी ने जो बात यहां पर कही कि इंटीग्रेटेड खेती के माध्यम से 1 एकड़ 2 एकड़ या जितनी भी खेती है, कैसे हम एक किसान के जीवन में व्यापक खुशहाली ला सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है, और इस आधार को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, यह मुझे लगता है कि आज के दिन पर हम सबको सोचने की आवश्यकता है। बहुत सारी नई तकनीक के साथ आज हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी आगे आ रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा कि विगत 22-23 महीनों के दौरान प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों ने कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थिति को सुधार करने में बड़ी रुचि ली। आज कृषि विज्ञान केंद्र सचमुच सही मायने में कृषि विज्ञान केंद्र लायक दिखते हैं, नहीं तो पहले उजाड़खाने जैसे लग रहे थे, पता ही नहीं लगता था यहां पर क्या है। और मैं चाहूंगा महायोगी गुरु गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र, यहां पर 50 एकड़ भूमि मंदिर ट्रस्ट ने इस विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र के लिए उपलब्ध कराया है, यहां पर किसान हॉस्टल का निर्माण हो या फिर अन्य जो एकेडमिक प्लांट का निर्माण होना है, जो अन्य कार्यक्रम यहां पर होने हैं, इसको भी समयबद्ध ढंग से वे आगे बढ़ाएं। अगर यह कृषि विज्ञान केंद्र न केवल चौक और बढ़िया चौक गांव को, आसपास के गांव को, इस नए पंचायत के प्रत्येक गांव को गोद लें, अभी तो कैंपियरगंज, जंगल कौड़िया, भरोइया या फिर चरगावा विकास खंड के जो 4 हमारे विकास खंड हैं, इन विकास खंडों के किसानों को
नियमित रूप से प्रशिक्षित करने लग जाएं, नियमित रूप से उन्हें प्रशिक्षण देने लग जाएं, तो कोई कारण नहीं कि यहाँ के किसान खुशहाली की ओर बढ़ सकते हैं। कैंपियरगंज के किसानों ने बड़ी मेहनत की थी, केले की खेती पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिहार में पहली बार अगर किसी किसान ने किया था तो इसी कैंपियरगंज विकास खंड के हमारे किसानों ने केले की खेती प्रारंभ की, लेकिन समय के साथ उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलने के कारण वे लोग खेती से हटे। आज कुशीनगर और पश्चिमोत्तर बिहार केले की खेती में काफी आगे हैं और उनके द्वारा काफी अच्छा मुनाफा उसके माध्यम से कमाया जा रहा है। मुझे लगता है जो आज कृषि मंत्री जी कह भी रहे थे कि अगर यहाँ के किसानों को हम केले के साथ ही खेती के साथ ही चिप्स बनाने के इस कार्य के साथ जोड़ सकें तो बहुत ज्यादा मुनाफा वह किसान कमा सकता है, और उस मुनाफे को कमाने के लिए हम सब आपका आह्वान करेंगे कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस दिशा में आगे कार्य करना चाहिए। आज यहां पर जब हम लोग इस क्षेत्र में आए हैं, यह कृषि विज्ञान केंद्र यहां के किसानों के लिए तो नई नई योजनाएं लेकर के आएगा ही, हमारा प्रयास होना चाहिए कि आज प्रदेश सरकार ने जो अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, केंद्र सरकार ने अनेक प्रकार की जो योजनाएं चलाई हैं, यहां पर जो यह प्रदर्शनी और कृषि मेला लगा हुआ है, इस मेले के माध्यम से उसका प्रदर्शन भी आप सबके सामने किया जा रहा है। हम लोगों ने यहाँ के लोगों की मांग को ध्यान में रख करके एक पेंटून ब्रिज टेढ़ावीर में निर्माण कार्य उसका पूरा हो चुका होगा, यहाँ पर बहुत दिनों से मांग थी, और हम लोगों का प्रयास है कि और भी विकास की योजनाएं यहाँ पर समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ सके। विकास की योजनाओं को सही मायने में आत्मसात किए जाने की आवश्यकता है। विकास की ढेर सारी योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है। आज गोरखपुर में एम्स की ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है, हमारा प्रयास है कि जून जुलाई में एम्स में प्रवेश की सुविधा भी हम प्रदान कर सकें। एम्स का प्रशासनिक भवन भी बनकर के तैयार हो और तेजी के साथ एम्स इस क्षेत्र के लोगों के लिए आने वाले समय में व्यापक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा का आधार बन सके। गोरखपुर में खाद कारखाना बन रहा है, 2020 में उसके उत्पादन वहां से खाद का और उर्वरक का उत्पादन प्रारंभ हो, यह हम लोगों की पूरी तैयारी है। पिपराइच में एक नई चीनी मिल आ रही है, ये नई चीनी मिल 35,000 से 40,000 किसानों के जीवन में एक नई खुशहाली लाने के लिए एक बहुत अच्छा आधार बन सकता है, और यह कार्रवाई हम लोगों ने पिपराइच और आसपास के क्षेत्र के किसानों के ध्यान को के हितों को ध्यान में रखकर के किया है। तो सेठी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए यहां पर जितने भी पौराणिक महत्व के धर्मस्थल हैं उन सब के विकास की कार्रवाई को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, और विकास की तमाम अन्य योजनाएं यहाँ के विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी ने आपके सामने कहा ही कि दो दो डिग्री कॉलेजेज आपके इस विधानसभा क्षेत्र में बन रहे हैं, इंटर कॉलेजेज बन रहे हैं, और भी अन्य सुविधाएं यहाँ पर प्रदान करने की कार्रवाई की जा रही है। हमारा प्रयास होगा कि समयबद्ध ढंग से इन सब कार्यों को आगे बढ़ा करके आम जन को इन सुविधाओं का लाभ हम दिलवा सके, इस विश्वास के साथ प्रशासनिक भवन का आज यहां पर लोकार्पण हो रहा है। इस कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए जो कृषि वैज्ञानिक हैं, मैं उन सब से कहूंगा कि सॉयल हेल्थ का जो कार्ड है वह समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, और प्रयास होना चाहिए कि हर किसान के पास उसकी जमीन का मृदा परीक्षण का सॉयल टेस्टिंग का वह कार्ड उन्हें जरूर उपलब्ध करवा दिया जाए, जिससे कौन से पोषक तत्वों की कमी है उसकी खेती को वह उसी प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग इसके लिए कर सके। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि हम अलग अलग चरण में अलग अलग नया पंचायत के
प्रगतिशील किसानों की समय समय पर गोष्ठी करें, गोष्ठी करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक तकनीक की जानकारी दें, बीज और खाद का समयबद्ध ढंग से उन्हें वितरण हो सके, इसके बारे में हमारा प्रयास कृषि विभाग के साथ मिलकर के इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का होना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर ये कार्रवाई समयबद्ध ढंग से चलती है, बहुत सारा परिवर्तन हम लोग एक आम किसान के जीवन में कर सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि 2022 तक किसान की आमदनी को दुगना करना, मुझे लगता है कि किसान को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार ये व्यवस्था की कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करके लागत का 1.5 गुना दाम किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया, और लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में जहां किसानों को मिलना प्रारंभ हुआ है, वहीं साथ ही साथ आने वाले समय में यह किसानों की आमदनी को दोगुना करने का आधार भी बनेगा। आपने देखा होगा कि 2017 में गेहूं का दाम जो समर्थन मूल्य था वो 1460 रुपए था, और इस वर्ष यह समर्थन मूल्य 1840 रुपए तक गया है, और हम लोग इसमें 20 रुपए अतिरिक्त देंगे, यानी 1860 रुपए प्रति क्विंटल प्रत्येक किसान को प्राप्त होगा। यह है परिवर्तन, यानी पहले 1460 भी किसान को नहीं मिलता था, 900-1000 रुपए में उसे अपना गेहूं बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था, धान 900-1000 रुपए में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस वर्ष हम लोगों ने किसानों को 1770 और 1790 प्रति क्विंटल का दाम प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराया, और 1860 रुपए हम प्रत्येक किसान को उपलब्ध कराएंगे गेहूं के समर्थन मूल्य के अनुसार, यहां पर उनका दाम उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे जो कभी नहीं मिल पाया। इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी की किसान हितेशी नीति है। आज के इस अवसर पर एक और जहां किसानों के हितों का संवर्धन करने के लिए ये सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, वहीं देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने जवानों को भी हर संभव संभव देने का कार्य भारत की सरकार कर रही है। कल आपने देखा होगा विंग कमांडर अभिनंदन किस तरीके से गौरव के साथ पाकिस्तानी फाइटर प्लेन को मार गिराने के बाद फिर सुरक्षित भारत की सीमा में भारत के अंदर आए हैं। मुझे लगता है कि आजादी के बाद का ये अपने आप में एक अभिनव उदाहरण है। जब एक मजबूत सरकार होती है तो मजबूत सरकार के इरादे भी मजबूत होते हैं और उसके परिणाम भी मजबूत होते हैं। जब कमजोर सरकार होती है तो सरकार गिड़गिड़ाती ही दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करने और नष्ट करने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करने की कार्रवाई प्रारंभ हुई कि अगर पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को नष्ट किया गया और नष्ट करने के बाद अगर हमारा पायलट पाकिस्तान की धरती पर उतरा है तो 3 दिन के अंदर ही सुरक्षित वापस भारत की धरती पर फिर वापस भी आ गया है। यह एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार के द्वारा ही संभव हो सकता है। आज के इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आप सबको कृषि विज्ञान केंद्र के लोकार्पण और के प्रशासनिक भवन के लोकार्पण के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। जो चुनौती कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के सामने है, वह इस चुनौती को सामने रख करके आने वाले समय में भावी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की कार्रवाई करेंगे जो एक किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन और खुशहाली लाने में सफल होंगे, और शीघ्र ही इसके एकेडमिक और जो किसान हॉस्टल आदि की कार्रवाई होनी है उसको भी समयबद्ध ढंग से बनाने में लोग सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको शिवरात्रि की भी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।